सुदामा चरित बिल्कुल एक जा कीर्तन है, लोकगीत न हो, और ये कीर्तन के बीच में भी हमने लोकगीतन को हल्को से एक पुट दे दो, देखो आप कैसे दऊ में वो भी सुनियो आपका। ये गीत में आपका जितनो ज्यादा रोवो भी आए उतनी ज्यादा हंसी भी आए, दो ही बातें हैं। अब देखो आप कितना बढ़िया साहित्य है और कितनी अच्छी बातें कही हैं। सबसे पहला आपसे हम सुदामा जी को थोड़ा सा परिचय करा दें कि वे कहाँ के हैं, कौन आए, कैसे हैं। देखो आप कैसे उनको परिवार है, गौर करियो आप जरा सो। था एक द्राविड़ देश में नगर विदर्भ ललाम, था एक द्राविड़ देश में नगर विदर्भ ललाम, ओतहा सुदामा विप्र एक और सुशीला बाम। देखो आप बेचारे इतने गरीब हते के बिल्कुल, अब हालांकि भगवान कृष्ण के संगे पड़े हते बचपन में, गुरु शांदीपन के थे, 100 कर्म दो जन ने करो है, लेकिन फिर भी नहीं देखो जा सकत की किस्मत में का लिखो। और वही सुदामा जी बेचारे गरीब बन गए और रहन लगे विदर्भ में। अब देखो काबो के सुशीला और बेदोईजन अपने बच्चन के संगे गरीबी काटते और रोज बेचारे भीख मांगते, वही से अपने बच्चा पालते। एक दिन ऐसो भी आ गो कि एक दिन भिक्षा विप्र ने मांगी दोरन दोर, कतहूं भीख पाई नहीं सो आए पलट बहोर। जब लौटी आए तो सुशीला बोली, उनकी पत्नी बोली कि आज कछु नहीं मिलो, बोले आज तो कुछ नहीं मिलो, तो बोली कि लड़का भूखन मरत है वो करे गरीबी तंग, ओ आज तो घर में बची ना प्रीतम भूजी भंग। बोली आज का खवा आज तो कुछ नहीं है, तुम ऐसो करो कि तुम्हें एक जगह हम भेजे तो चले जाओ। सुदामा जी बोले हम कहां जाए, हम कहां जा सकत। बोली देखो तो सुनो तो आप, हाथ जोड़ विनती करूं कहो सुशीला बाम, कि बचपन में पिया आपके सखा रहे घन श्याम। तो बोली ठीक आप नहीं लो चले जाओ, अगर कछु दे दें तो निश्चित रूप से गरीबी थोड़ी बहुत दिनन के लाने तो हट ही जाए है। सुदामा जी बोले भाई सुनो तो आप एक बात सुनो, पहला हमारी बात का है कि गुजर गरीबी में करो प्रिय तुम्हें समझाओ, कि बूढ़े पन में मित्र से मैं कायब मांगन जाऊं। बोले अबे लो मांगो नहीं, अब बुढ़ापो आ गया और अभी का सोचे कि देखो बचपन के साथ ही जब से छूट गए तब से आज लो नहीं दिखाई दे, आज इन लोग गरीबी परी सो मांगन आ गए। बोली यहां तुम जाओ। जब ना मानी सुशीला का, इसने त्रियाहट बहुत बड़ी कहा और त्रियाहट बहुत तेज है, वो चलत भी है। जब ना मानी सुशीला तो सुदामा जी बोले ठीक हम जा रहे, मोहल्ला में से पुरा में से कहूं से पड़ोस में से तलाश के दो तीन मुठी चावल ले आई और बोली के जी ले जाओ उन्हें भेंट में दे दियो, कैसे भी राजा आए उन्हें भेंट बहुत जरूरी है। देखो आप एक तरफ गरीबी और दूसरी तरफ अमीरी के साथ साथ एक सहृदयता, कितनी बड़ी बात है। दोनों आपस में देखो आप चले तैसे, यहां श्याम के मिलन हित विप्र सुदामा जाए,
ओ वहां विप्र के मिलन हित मन मोहन अकुलाए, तो यहां सुदामा के चरण एक कांटो लग जात, ओ फूलों की सिजिया पे प्रभु के सोई कांटो चुभ जात। फिर कहो कि भगवान कृष्ण के पांव सप्त महामद आब रही थी, तो सत भामा चापे चरण गौ कांटे पे हाथ, सो हाथ जोड़ कर पूछती के सत कहो यदुनाथ। अब देखो, अब बहुत अच्छी बात है। रही रानी चाप चरण है, बहुत पुरानी धुन याद आई और इतनी बढ़िया बात ही धुन में कही गई। देखो आप, रही रानी चाप चरण है, लख कांटे चुभे पगन है, सत भामा बचन सुनाए, सत भामा बचन सुनाए, ओ फूलों की सिजिया पे भगवन, हाँ फूलों की सिजिया पे भगवन कांटे कहाँ से आए। रही रानी चाप चरण है, लख कांटे चुभे पगन है, सत भामा बचन पे भगवन कांटे कहां से आए। रानी चाप चरण है, लख कांटे चुभे पगन है, सत भामा वचन सुनाए, फूलों की चिड़िया पे भगवन कांटे कहां से आए। देखो आप, सप्त भामा जी बोलिंग के महाराज जा बताओ पहला कि जे पावन में कांटे कहां से आ गए, आप फूलन की सेज पे लेटे हो, फूलन की सेज पे लेटे में कांटे कैसे लग गए। कृष्ण भगवान बोले कि सवाल तो तुमने बहुत अच्छे करो सप्त भामा जी, उत्तर भी सुनो। बोली पहला हमारे सवाल को जवाब दो, काब और सवाल हमें करने कि बचपन रहे चरावत गौए दौरत हारन हारन, तुम बचपन रहे चरावत गौए दौरत हारन हारन, पे कांटे लगे कभू ना चरणन आज कौन है कारण, कहो कारण कहो कारण। बोले भैया हम सब बताने रे। बोली नहीं महाराज, बिना बताए नाथ हमारी शंका कौन मिटाए, फूलों की सिजिया पे भगवान कांटे कहां से आए। रही चाप चरण है, लख कांटे चुभे पगन है, सत भामा वचन सुनाए, फूलों की सिजिया पे भगवान कांटे कहां से आए। बाबा क्या बात, हम अपने भैया लतीफ से आज बहुत खुश हैं, बिल्कुल हल्को सा पीस बजा रहे वे बांसुरी को, लेकिन जी सुन के आप लोग बिल्कुल इतनी शांति से हमें आनंद आ रहा हो और गीत में आपका आनंद आ रहा हो, ये जितनी शांति से आप सुन रहे। वाह, देखो आप,
भगवान कृष्ण बोले कि ई बात को उत्तर चाहू ने। सप्त मामा जी बोली बिल्कुल महाराज, आप जा बताओ कि फूलन की सेज पे कांटे कहां से आ गए। बोले सप्त मामा जी जा कोनो बड़ी बात नहीं है, वही धुन में उत्तर दो। भगवान ने बोले सुन सत भामा महारानी, सुन सत भामा महारानी, है इसकी दुखित कहानी, है इसकी दुखित कहानी, कह भगवन नीर बहाए, कह भगवन नीर बहाए, ओ फूलों की सिजिया पे प्यारी कांटे से आए, किसकी दुखद कहानी, कह भगवन नीर बहाए, भगवन नीर बहाए, फूलों की सिजिया पे प्यारी कांटे से आए, रही रानी चाप चरण है लख कांटे। अब देखो आप बोले कि बहुत बचपन के हमारे एक छोटे भैया हैं जिन्हें एक ब्राह्मण है वे आज आ रहे। सप्त भामा जी बोली कहां से आ रहे, को आ रहे, पहले जा बताओ कांटे कैसे लगे, आ रहे होंगे आप तो जा बताओ कांटे कैसे लगे फूलन की सेज पे। बोले ओ ही ये बता रहे के आतुरता से आ रहे, उपनव पन ही नहीं पगन में, आतुरता से आ रहे, उपनव पन ही नहीं पगन में, तो जो कांटे लागे उनके पग दे ही मेरे चरण में, हाँ चरण में, हाँ चरण में, ओ कहते कहते ही भगवान के नैनों से जल छाए, ओ बचपन के बिछुड़े मोरे भैया मो से मिल बे आए, रही रानी चाप चरण है भाव। देखो अब देखो दूसरी धुन बड़ी प्यारी धुन इतने से शुरू होते कि जैसे मान लो जैसे ही भगवान दरवाजे लो पहुंचे तो एक अंतरा से शुरू कर रहे, जैसे दरवाजे लो पहुंचे फटे पुराने उन्ना पेरे बिचारे, जैसे सुदामा जी के भगवान के द्वारे पहुंचे, द्वारे पे द्वारपाल खड़ो तो द्वारपाल बोले को आओ कहां किया हटो इतने से। बोले भैया हमाओ संदेश उतने भीतर राजा लो पहुंचा दो कि एक बामुन मिल भी आओ। बोले नाव का है सो नाव बता दो कि ऐसो कह दियो। तो देखो आप कौन सी धुन है बिल्कुल जरा सी एक अंतरा की, अंतरा से शुरू कर रहे देखिए आप क्या कहा द्वारपालों ने जाकर। भगवान कृष्ण ने जाकर द्वारपाल कहते हैं कि महाराज द्वारपाल जा कहो हरी से सुनो श्री घन श्यामा, द्वारे आओ विप्रेक दुर्बल नाम बताए सुदामा, द्वारे आओ विप्रेक निर्बल नाम बताए सुदामा, द्वारे आओ विप्रेक निर्बल नाम बताए सुदामा। तो जैसे ही सुदामा नाम सुना तब सिंहासन तज धाये, तब सिंहासन तज धाये और सखे पकड़ ले आए, असुओं से चरण धुलाए। वहीं बैठी थी रुक्मणी सप्तभामा सब
तो बोली महाराज क्या कर रहे तुम, जे कुआएं कुआएं हमारी समझ में नहीं आ रहे। बोले तुम ना समझो, ये मेरे मित्र सुदामा है कोई और नहीं, ये मुझसे मिलने आए हैं कोई और नहीं। देखो आप फिर का भाव कि जैसे ही उन्हें बैठा लो अपने सिंहासन के ऊपर सुदामा जी का बैठा लो और बोले, देखो आप इतने से कितनी अच्छी बात, बिल्कुल पूरा रूप बदल दो, बातचीत को ढंग ही बदल दो। भगवान कृष्ण बोले भैया बहुत दिनन में आए हो, जा तो बताओ कि मतलब कहूं जुगाड़ उगाड़ लगी के ऐसे ही काम चल रहा हो अब। सुदामा जी बोले कैसो, बोले जो अपूछी। देखो बहुत पुरानी धुन में बोले भगवान कृष्ण, बोले कि भैया ब्याह कराए के ऐसे ही कोरम को, देखो आप भैया ब्याह कराए के ऐसे ही कोरम को। बोले बेगरी ब्याह की तो नहीं गाड़ी ढड़क रही है भैया, तो बताओ भैया ब्याह कराए के ऐसे ही कोरम कोर, कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओ। भैया ब्याह कराए के ऐसे ही कोरम कोर, कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओ। भैया ब्याह कराए सुदामा जी बोले भैया ब्याह तो होगा। बोले तो कितने भाई, ब्याह करे तो कितने करे हैं। बोले महाराज एक ही की तो संजय नहीं समझत का दो चार दसर करने। बोले नहीं जो मतलब नहीं, बोले आखिर बोले हमने ज्यादा करे इसी है सोच रहे कि शायद तुमने ना इतने ही कर लाई हमारे। बोले हाँ हमारा ये कहीं के माए तो मरे जा भीख मांगा। बोले भगवान बोले कि पूछन लगे जा बताओ, ब्याह करे तो कितने करे हैं, घर नी स्वभाव कहो कैसे करे हैं। ब्याह करे तो कितने करे हैं, घर नी स्वभाव कहो कैसे करे हैं। अरे सीधी है के करवे लड़ाई संजा भोर। बोले कि जा तो बताओ सीधी सांची है कि लड़ा थे काय से तुम हालत दिखा रहे हमें। पर सीधी है के करवे लड़ाई संजा भोर, कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओ। या ब्याह कराए के ऐसे ही कोरम को, कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओ। या ब्याह कराए के ऐसे ही कोरम को, कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओ। देखो आप फिर एक अगलो सवाल करो भगवान ने। बोले जा बताओ, कितने घर में बिटिया लड़का हाल कहो सब अपने घर का। कितने घर में बिटिया लड़का हाल कहो सब
सब अपने घर का। और बोले जा बता के सो जई है के न्यारे, सो जई है के न्यारे के तुमसे कमजोर। कहियो रे भैया कहियो नेहा जो मेरी हो, भैया जाहे कराए के ऐसे ही कोरम को। कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी हो, भैया जाहे कराए के ऐसे ही कोरम को। कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी हो। अब इतने में सुदामा जी से भगवान कृष्ण बोले कि यार जा तो बताओ कि यार भाभी ने ऐसा तो हो ही नहीं सकत के हमारे लाने कछु ना पहुंचाओ होए। कैसे भाभी तो हमें बहुत चाहती, तो बताओ उन्हें हमारे लाने का भेजो। अब सुदामा जी ने जो ठाट बाट देखो भगवान को, सो उनने तो पहला सोची कि ऐसा ही हुई है जी, अब उन्हें का पता इतने बड़े राजा है। सो जैसे ही ठाट बाट देखो सुबह पुटरिया जो चावलन की हती, वो चावलन की पुटरिया का आखिरी में दावत जाए कि जे देख ना ले कि का भेंट ले आए हमारे लाने। हाँ लेकिन बस नजर भगवान की पड़ गई। अब नजर पड़ गई तो देखो कितनी बढ़िया बात, वैसे ही हंसी में कि सुदामा जी अपनों दुख भूल जाए जो लेके आए। कैसे में तो सब जानते कि जी का सोच के आए, लेकिन दुख सब भूल जाए और इतने से खुशी खुशी जाए। तो फिर हंसी की बात बोले, बोले सुदामा जी एक बात तो बताओ। अरे निरख सुदामा, देखो आप जरा से लोकगीत की पोटे केवल एक लाइन कि निरख सुदामा की चावल पुटरिया, निरख सुदामा की चावल पुटरिया, ओ पूछो बेहस कन्हाई ने अरे का भेजो भौजाई ने। निरख सुदामा की चावल पुटरिया, पूछो बेहस कन्हाई ने अरे का भेजो भौजाई ने। निरख सुदामा की चावर पोटरिया, पूछो बेहस कन्हाई ने अरे का भेजो भौजाई ने। निरख सुदामा की चावर पोटरिया। बोले एक तो बहुत दिन में आए, और बोले भाभी ने कछु भेजो तुम वो बताओ के कहाँ है। बोले भैया नहीं है कछु, बोले ऐसा हो ही नहीं सकत। और बोले एक तो बहुत दिन में आए, भाभी मोखा चौर पठाए तो तुम कखरी बीच दबाए। बोले जेरी दबाए तुम कांखरी में। अरे बोले महाराज जब आदत पड़ गई हमारी, अब रोज मांगत खात रात से यही आदत है, तो दबे रात ख्याल ही नहीं रात। भगवान ने भोरन याद दिलाई कि तुम हमसे दूर नहीं हो, एंगर आओ का हल्के से एंगर रहे। तो बोले जा आदत तुम्हारी मांगबे खावे से नहीं पड़ी, हम बता रहे कब से हैं। अरे जा आदत पड़ गई तुम्हारी, बोले जा आदत पड़ गई तुम्हारी, बचपन की भड़ियाई का भेजो भौजाई ने। निरख सुदामा की चावल पुटरिया, पूछो बेहस कन्हाई ने अरे का भेजो भौजाई ने। निरख सुदामा की चावल पुटरिया, पूछो बेहस कन्हाई ने ओ का भेजो भौजाई ने। अब देखो आप आखिरी बात, तो बहुत प्यारी बात है। भगवान बोले तब बोले बेहस कन्हाई, फिर वही बात जहां से शुरू हुई थी फिर वही आती है। अभी केवल ये बातें सप्तमामा जी को दिखा रहे हैं वो, और फिर बाद में बताएंगे। अभी तो सुदामा जी से बोले तब बोले बेहस कन्हाई, कौ मजे में है भौजाई। ओ तुम बहुत दिनन में आए, बोले सुदामा जी बोले कि महाराज तुम चोरी लगा रहे, हमने का चुराओ। अरे बोले हम बताएं क्या हल्के में चोरी से भैया
तुमने चना चुराए, तब बोले पे हंस कन्हाई, कौ मजे में है भौजाई, तब बोले पे हंस कन्हाई, कौ मजे में है भौजाई, तुम बहुत दिनन में आए, हलके में चोरी से भैया तुमने चना चुराए, तब बोले पे हंस देखो आप यहां से फिर बात हंसी की खत्म हो गई फिर वही आ गई देखो आप कितनी अच्छी बात है कि कखरी की पुटरी के ऊपर हरी की परी नजरिया कखरी की पुटरी के ऊपर हरी की परी नजरिया विप्र सुदामा सकुचे चंचल दावत जाए पुटरिया हाँ पुटरिया हाँ पुटरिया लेकिन भगवान ने जबरदस्ती पुटरिया छीनी और उसे खोल के उसमें से दो मुट्ठी उठा के पहली खाई पे दूसरी खाई तीसरी खाने लगे रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया बोली महाराज सुदामा के अलावा भी दुनिया में कोई तुम्हारा और भक्त भी है अकेला यही भक्त नहीं है दुनिया में बहुत है सारी दुनिया पड़ी है सुदामा जी के चावल भी दो मुट्ठी चले गए और बोले अब जाओ लेकिन मालूम उस दो मुट्ठी के बदले में क्या दिया उन्होंने सुदामा जी को दो मुट्ठी चावल के बदले दो ही लोक गहाए दो मुट्ठी चावल के बदले दो ही लोक गहाए और सत्यभामा जी का हाथ पकड़ा बोले कि फूलों की सिजिया पर प्यारी लोग कांटे ऐसे आए वही रानी चाप चरण है लख कांटे चुभे पगन है सत्यभामा वचन सुनाए फूलों की सिजिया पर प्यारी पार्टियन में एक एक आदमी ऐसे हैं जिन्हें हम खड़ा कर रहे हैं आप उनके दर्शन कर लियो अपनी कसम इनके तो दर्शन ही से हैं समझो स्वर्ग लोक मिल जाए दो जन इनके दर्शन करे जे लगत जैसे दो जने सगे भैया हो अपनी कसम देखो हम खड़ा कर रहे भैया तुम खड़े हो जाइयो तने भैया इस तरफ से तुम खड़े हो जाइयो तो खड़े तो हो जा तुम मोरो राजा भैया सुनो तो को अला है तुम्हें हमा जो पूना ठाणो जे खड़े हो जे राम जी ने वनवासी बना लिया एक बात आप बिल्कुल याद रखिए कि ये भैया शेखर बाबू जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं किसकी तरफ से बजरंगबली हनुमान जी की तरफ से हनुमान जी जब लंका में पहुंचते हैं तो जबकि इनने जो चौपाई कही थी उनके अनुसार तो बहुत अच्छा सवाल बनता था कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहां तहां अगणित योधा भवन एक पुन दीख सुहावा हर मंदिर ते भिन्न बनावा इनने दो चौपाई कही थी इस गीत गाने के पहले मुझे याद सब कुछ रहता है अगर इनसे पूछा जाए कि इसमें सवाल इन दोनों चौपाइयों में छुपा है मंदिर मंदिर मतलब प्रत्येक मंदिर लंका का देखा फिर भवन एक पुन दीख सुहावा लेकिन जो विभीषण का घर मिला वो भवन था और रावण का घर मंदिर था तुलसीदास जी की लेखनी के अनुसार भवन शब्द संबोधित किया गया है विभीषण के मकान के लिए और रावण के मकान के लिए कहा गया है मंदिर हर मंदिर ते भिन्न बनावा भवन एक पुन दीख सुहावा मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा तो इसमें सवाल उठ सकता था लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा
इनने तो सीधा विभीषण को समझाया जी बजरंग बली है बैठे दर्शन करो इन ना हनुमान जी अपनी कसम शरीर बनरियन कैसे है और बने फिर रहे बजरंग बली आप हद तो देखो आप कम से कम शरीर के अनुसार भी तो बनो चाहिए कि कहा कह रहे तो देखो आप कि जैसे बजरंग बली कह रहे हैं कि मुझको तो राम जी ने बनवासी बना लिया बंदर पहले उन्हें बंदर संबोधित करते हैं फिर ये कह रहे हैं कि विभीषण तुम तो मनुष्य हो मैं तो बंदर हूं लेकिन भगवान ने मुझे बनवासी बना लिया। मैं एक बात अगर इनसे पूछूं कि अगर वो बंदर थे तो किसकंधा का राज उन्हें मिला महाराज सुग्रीव कहलाए महाराज बाली भी कहलाते थे उन्हीं के सभा में दरबार में हनुमान जी बैठते थे उनके एक अच्छे मंत्रियों में से गिनती थी हनुमान जी की। इन्हें बनवासी कब और कैसे बनाया मैं तो ये भी नहीं समझ पाया इनकी बात को और यही बात विभीषण जी कह रहे हैं भाई विभीषण माने सीधे साधे तो हम विभीषण हो गए इन्हें बनोरान दो हनुमान जी अपनी कसम उनकी पूंछ में लगी थी आग हम देखो एक और बात बता दूं चूंकि मुझे नई धुने नई तर्जें कीर्तन की बाकी बिल्कुल याद नहीं इनसे जो भी सुन ली है उसी के अनुसार लिख दिया है और गाय दे रहा हूं जैसा भी बनेगा वैसे गाय दे रहा हूं तो आप तर्जों पर ध्यान जरूर ना दीजिएगा लेकिन उसके मर्ज को समझिएगा कि ये क्या कह रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं बस भैया का कहना सिर्फ इतना मुझको तो राम जी ने बनवासी बना लिया और हमारा कहना है कि भैया कि तुमको तो राम जी ने विभीषण कह रहे हैं कि यार अब बजरंगबली तुम कह रहे हो कि मुझे बनवासी बना लिया मैं नहीं समझ पाया मैं तो ये जानता हूं तुमको तो राम जी ने मनवासी बना लिया तुम तो उनके हृदय में बसते हो भैया तुमको तो राम जी ने मनवासी बना लिया समझाओ कैसे प्रभु ने बनवासी बना लिया तुम तो राम के प्यारे भैया नित रहते हो संग में और तुम उनके मन बे तुम रे मन रोम रोम अंग अंग में और तुमको तो राम जी ने मनवासी बना लिया तुमको तो राम जी ने मनवासी बना लिया समझाओ कैसे प्रभु ने बनवासी बना लिया बहुत अच्छी बात कह रहा हूं मुझको कोई उपाय बताओ हे बजरंग बलधारी
मुझको कोई उपाय बताओ हे बजरंग बलधारी। और मुझ पर कभी कृपा भी होगी मिल जाए धनुधारी। और खुद को तो प्रभु ने सन्यासी बना लिया, और खुद को तो प्रभु ने सन्यासी बना लिया। समझाओ कैसे तुमको बनवासी बना लिया, समझाओ कैसे तुमको। समझाओ कैसे तुमको बनवासी बना लिया, समझाओ कैसे तुमको बनवासी। कहाँ है वैसे मजा तो इतने कान है। अरे ये कीर्तन की मंच है तो मजा कहां से आओ जा बताओ आपका। जो मजा तो आप कहां लोग गीतन की मंच पे लगे मजा ही मजा है। आप काय चिंता कर रहे आपका जो पतो ना तो हुआ कीर्तन हो रो नहीं था तो अपनी कसम पल्ली में पहे थे भी था तो अपने मजा ही मजा आते हुआ वेलो सो जाते आराम से। कैसे आदमी आप। हनुमान जी जिनके लाने भगवान राम एक धनुष पे बाण चढ़ा के और बोले आज हनुमान को एक ही बाण से खत्म कर दूंगा। हनुमान जी भी अपनी मां को वचन दे चुके थे। मां ने कहा कि बेटा मेरा एक भक्त है तू उसे बचा ले। हनुमान जी बोले मां तू वरदान मांगती है। बोले हां बेटा आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा बस इतना दे दे तू। तो अंजनी की ये बात सुन के हनुमान जी ने कहा कि मां आज मैं तेरे उस भक्त को बचाऊंगा। इधर भगवान राम को गुस्सा चढ़ाई गई कि हनुमान जी उसकी रक्षा कर रहे हैं आप क्या कर पाएंगे। तो भगवान राम ने कसम खाई कि हनुमान भी रक्षा करने को आएगा तो मैं उसे बाण मार दूंगा। और ये बात सामने भी आ गई। हनुमान जी ने उस राजा को उस भक्त को अपने पूंछ के घेरे में पीछे बैठा ला और सामने बैठ गए। सामने से भगवान राम आए उन्होंने धनुष के ऊपर बाण उठाया और चढ़ा के जैसे ही मारने लगे तो लक्ष्मण ने सामने होकर खड़े होकर के एक विनती की कि महाराज आप यद्यपि मेरे बड़े भाई हैं लेकिन धुन मैंने बता चुका हूं पहले आपको कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। और में बसाए बैठे हैं हनुमान राम जी। बोले आप जिन्हें बाण मार रहे हैं भैया मालूम उनके हृदय में क्या है। और में बसाए बैठे हैं हनुमान राम जी और आप लिए बैठे उन्हें बाण राम जी। और आप लिए बैठे उन्हें बाण राम जी। रामचंद्र जी बोले लक्ष्मण तुम हट जाओ मैं इसे नहीं छोड़ूंगा आज। लक्ष्मण ने याद दिलाई कि भैया भूल गए वो बातें जब कि जान दस शीश चुराई थी जान की। जब जान दस शीश चुराई थी जान की तब ये वो हनुमान है कि जिसने थी जान की चिंता ना चिंता जान की। जब जान दस शीश चुराई थी जान की तब जान की चिंता ना चिंता जान की।
ये जानकी को लिए फिरे जान राम जी, ये जानकी को लिए फिरे जान राम जी, और आप लिए बैठे उन्हें बान राम जी। ये जानकी के लिए फिरे और मैं बसाए बैठे हैं हनुमान राम जी। रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण मैं नहीं जानना चाहता कि वो रावण कौन था, कहां का रावण, आज तो मेरे सामने हनुमान है, मैं इसे मारूंगा। लक्ष्मण बोले, भैया रावण को भूल गए जिसने, अरे जान 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 दई न दई जान की, उस रावण को भूल गए आप। इस पूरे गीत में सिर्फ एक शब्द है जान, और जान ही तो उस गीत की जान है। तो जान 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 दई न दई जान की, सो जान भी चली गई यो गई जान की। कि जान 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 दई न दई जान की, सो जान भी चली गई यो गई जान की। दोनों चीजें चली गई, उसके पास क्या बचा, उस रावण को भूल गए आप। ओ जान जान बनते अनजान राम जी, क्यों जान जान बनते अनजान राम जी, और आप लिए बैठे उन्हें बान राम जी। और मैं भगवान बोले, लक्ष्मण तो मेरे सामने से हट जाओ, वरना ये तीर अगर छूट गया तो हो सकता तुम भी चले जाओगे। बोले, भैया इतना क्रोध अच्छा नहीं होता है, और फिर आप चाहते क्या हो। भगवान राम बोले, मैं हनुमान की जान लेना चाहता हूं। बोले, वाह, उसकी जान क्या है। अरे जानते हो जान आप हनुमान की। बोले, तुम बताओ क्या है उसकी जान में। बोले, जिसकी जान आप लेना चाहते, जानते हो उसकी जान में क्या है। जानते हो जान आप हनुमान की, जान में लो जान सदा राम जान की। बोले, मारना है मार दो मार। देखिए एक बात याद रखिए, जब से ये कीर्तन चल रहा है और सिर्फ बजरंग बली के नाम पे चल रहा है, हर कीर्तन उनके लिए ही गाया जा रहा है, देखें कब तक चलता है। अरे जानते हो जान आप हनुमान की, और जान में लो जान सदा राम जान की। इस बात को शेखर बाबू भी सोच रहे होंगे कि वाकई मैंने हनुमान जी का गीत क्या गा दिया, ये तो आफत हो गई। और वो दस रात गाएं तो बजरंग बली के गीत ही गाऊंगा मैं, और कुछ नहीं इसके अलावा, और एक से एक नई बात ही बताऊंगा उनकी अलग अलग। उनने एक झगड़ा बताया हनुमान जी का, मैं दूसरा झगड़ा बता रहा हूं। अरे जानते हो जान आप हनुमान की, जान में लो जान सदा राम जान की। उसकी जान में और कुछ नहीं है, इसलिए जानो अपनी जान हनुमान राम जी। तुम जानो अपनी जान हनुमान राम जी, और आप लिए बैठे उन्हें बान राम जी। जान हनुमान जी बैठे हैं, भगवान राम धनुष सामने बिल्कुल ताने खड़े हुए हैं, लक्ष्मण जी उन्हें मना रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की बात को टालते हुए भगवान कहते हैं कि आज चाहे मैं खुद मर जाऊं, लेकिन लक्ष्मण इसे जरूर मार दूंगा, क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञा की है। लक्ष्मण बोले, भैया आप मर जाएं, आपकी जान क्या है, इसकी जान क्या है, या मैं बता रहा हूं ये बात सुन लीजिए, अगर इच्छा हो तो मार देना। बोले,
कि जान की जान जान हनुमान की, जो जानकी की जान है वही हनुमान की जान है। अरे जानकी जान जान हनुमान की, ओ जानो यही जान है करुणा निधान की। अगर आपको मारना है खूब मारिए आप बाण, उससे मतलब नहीं, लेकिन अरे जानकी जान जान हनुमान की, बस जानो यही जान है करुणा निधान की। सो जानकी के अंचल की जान राम जी, अब मारना है तो मार दो, उनकी क्या दशा होगी ये खुद जानना। तुम जानकी के अंचल की जान राम जी, और आप लिए बैठे उन्हें बाण राम जी, और मैं बसाए बैठे हैं हनुमान राम जी। और मैं बसाए बैठे हैं हनुमान राम जी, और आप लिए बैठे उन्हें बाण राम जी, और आप लिए बैठे उन्हें बाण राम जी। हमारे लतीफ भैया जब बांसुरी बजाओ तब ही आनंद आ जाए। देखो आप, अब एक गीत ऐसा याद आ गया इनकी बांसुरी पे के जी हम आपके सुना रहे, तो आपके बा बात याद आ जाए, बहुत पुरानी बात है। और वैसे भी गीत खां जब लिखो ये छलिया जी ने बाकी बहुत मेहनत करी हुई, ऐसी ऐसी चीजें ही गीत में है जो हो सकत आपने कोनू साहित्य में न सुनी हो न पढ़ी हो, ऐसे ही को दावा नहीं कर रहे हम, लेकिन हो सकत के ऐसा हो गए। देखो आप, एक श्रृंगार है कि कोनू भी नायिका को भेद बताओगे गीत में, कि वो नायिका जैसे कभी पानी भरवे जाती या मान लो गली से निकलते है तो कैसी लगत बा। सिर्फ जो देखियो आप, ऐसा गीत आपने शायद सुनो तो हुई है, लेकिन थोड़ो सो गौर करियो आप, गौर कर भी योग गीत है, श्रृंगार भी है तो भी सुन भी योग्य है। देखो आप, एक हल्को सो पीस और लगा दियो लंबो तो निकलती भैया। कि नई नई दुलेन सज गई एन, घुंघटा में नैन दोई कजरा रे, गोरे हैं गाल दोई ओंठ लाल, रेशम से बाल कारे कारे, गोरे हैं गाल दोई ओंठ लाल, रेशम से बाल कारे कारे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल जरा इधर। सारी में बेल महकत है तेल, शब्दों का मिलान और फिर उनका अर्थ, दो चीजें। सारी में बेल महकत है तेल, गल में हमेल छुटिया कारी, कानन में झूल रहे कन फूल, मन जात भूल देंदी प्यारी। फिर नैनन कटार की तिरछी मार, भाई आर पार छाती फोरी, भौहें कमान चितवन को बान, हो गौ निशान मारो गोरी।
कितनी बढ़िया बात कही गई है। कोयल के बोल रस रहे घोल, ऐसे बोलती जैसे कोयल बोल रही हो, इतनी मीठी बोली देखिए आप। कोयल के बोल रस रहे घोल, गैलन में डोल रहे गेलारे, गोरे हैं गाल दोई ओंठ लाल, रेशम से बाल कारे कारे, गोरे हैं गाल दोई ओंठ लाल, रेशम से बाल कारे कारे। श्रृंगार पे ध्यान दियो आप, देखियो आप। ककना ककना रवार है मड़ियादार, ककना रवार है मड़ियादार, नंग चमकदार है मुदरी को, भर भर के बाएं चूड़ियां चढ़ाए और नो रचाए हर उंगली को। फिर पनिया खजात लटकत दिखात, क्या लटकती दिखाई देती है? पनिया खजात लटकत दिखात, करे आ में सात लर कर धोनी, निकिरी है खोर बिछियन को शोर, उमर लिलोर लग दे नोनी। हमारे छलिया जी बधाई के पात्र ही में कौन दोरा जी है, कितनी बढ़िया बात लिखी देखो तुहार। फिर से एक बार केवल एक लाइन कहूंगा। ककना रवार है मड़ियादार, नंग चमकदार है मुंदरी को, भर भर के बाए चूड़ियां चढ़ाए और नो रचाए हर उंगली को, पनिया खजात लटकत दिखात, करे आम सात लर कर धोनी, निकिरी है खोर बिछियन को शोर, उमर लिलोर लग दे नोनी। फिर दिखनो सुअंग है गोर रंग, दिखनो सुअंग है गोर रंग, छेलन के अंग फोरा पारे, गोरे हैं गाल दोई ओंठ लाल, रेशम से बाल कारे कारे। जो बंद है, इस बंद को अगर आप सुनेंगे, अंतिम मंत्र है, तो आपको लगेगा कि वो चीज जो मैंने शुरुआत में कही थी कि शायद मैंने तो ऐसा किसी साहित्य में नहीं पढ़ा। देखो आप, पानी भरने जाती है कुएं पर और रस्सी निकाल के देहातों में गर्रा डले रहते हैं कुएं पर, जिनके ऊपर से रस्सी डाल के पानी खींचा जाता है। अब देखो आप, कर दाव पेंच रस्सी खा खेच, पानी खा एच लफ लफ जावे, कर दाव पेंच रस्सी खा खेच, पानी खा एच लफ लफ जावे। अब लाइन वो आप उस सीन पे पहुंच जाइए, बिल्कुल देखिए आप। कर दाव पेंच रस्सी खा एच, पानी खा खेच लफ लफ जावे, जब उठत हाथ लट लटक जात, होठन पे दांत गप गप जावे, जब उठत हाथ लट लटक जात, होठन पे दांत गप गप जावे। फिर सिर गगर धार घूंघट पसार,
गलियां निहारती जाती हैं। गंगा है नाव, गंगा है नाव, साजो स्वभाव मुइयां बताओ ती जाती हैं। ठीक है, बड़ी प्यारी अंतिम लाइन है। घूंघट उघार गगरी उतार, घूंघट उघार गगरी उतार, छलिया निहार भय मतवारे। घूंघट उघार गगरी उतार, छलिया निहार भय मतवारे। गोरे हैं गाल दोई ओंठ लाल, रेशम से बाल कारे कारे। गाल दोई ओंठ लाल, रेशम से बाल कारे कारे।